हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें अमरोहा, बाराबंकी, हमीरपुर, मुजफ्फरनगर, तमाम जगहों की तस्वीरें जहां पर हर जगह हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में आज ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं, नामांकन के दौरान भी जमकर हिंसा हुई। बीजेपी पर विरोधी दलों को रोकना, इस तरह के तमाम आरोप लग रहे हैं। और सबसे ज्यादा हंगामा तो लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर हुआ, जहां पर समाजवादी पार्टी की महिला प्रत्याशी के साथ बदसलूकी की गई नामांकन के दिन। घटना पर योगी सरकार ने हालांकि सख्ती दिखाई और सीओ समेत 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। दो और आरोपी हैं मामले के, जिनको गिरफ्तार किया जा चुका है। इस बीच आज की तस्वीर, जब वोटिंग शुरू हुई 11 बजे का वक्त था, 3 बजे तक आज वोट डाले जाने हैं, लेकिन इस बीच हालात क्या है वो देखिए। अमरोहा की तस्वीर, समाजवादी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। वोटिंग के दौरान ही दोनों दलों के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई, पुलिस को भी लाठी डंडों का इस्तेमाल करना पड़ा। और अब आपको हमीरपुर की तस्वीर भी दिखा दें, जहां पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उलझ पड़े। काफी देर तक दोनों खेमों से एक दूसरे पर लगातार जोर आजमाइश चलती रही। ये तस्वीरें हमीरपुर की, जहां पर झड़प की तस्वीरें सामने आई। पुलिस बल को भी यहां भी लाठी चार्ज करना पड़ा, लाठी डंडों के साथ उपद्रवियों को वहां से खदेड़ा गया, दोनों ओर के कार्यकर्ता। अब देखिए पुलिस ने किस कदर बल प्रयोग किया वहां पर। यानी उत्तर प्रदेश के तकरीबन हर जिले से इस तरह की खबरें आ रही हैं, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव, लेकिन हिंसा की खबरें हर जगह से। और अब बाराबंकी का हाल देख लीजिए, समाजवादी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता यहां भी गुत्थम गुत्था होते नजर आए। कार्यकर्ताओं पर लगा रहे पुलिस को बताते समझाते कि आखिर हुआ क्या रहा है वहां पर। पुलिस वहां पर पूरे लाल लश्कर के साथ मौजूद है। हालांकि 11 से 3 बजे तक वोटिंग है चल रही है, लेकिन इस दरमियान पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद थी, क्योंकि इस बात को सुनिश्चित किया गया था कि हिंसा की कोई घटना कहीं भी ना हो। बावजूद इसके हर जगह से तस्वीरें। अब यहां पर मुजफ्फरनगर का हाल भी देख लीजिए, जमकर झड़प यहां भी हुई है। बीजेपी और विरोधी खेमे के लोग आमने सामने आ गए। यहां का हाल क्या है वो आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। मेरे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बागपत से राम किंकर मेरे साथ हैं और संतोष मेरे सहयोगी लखीमपुर से मौजूद हैं। कोशिश संतोष ये की गई थी कि किसी तरह की कोई हिंसा ना हो और सही तरीके से कम वोटिंग हो जाए, लेकिन इसके ठीक उलट हालात ऐसे हो गए कि पुलिस को भी लाठियां भांजनी पड़ रही हैं। देखिए, जब तक कोशिशों को कागजों में ही उतारा जाएगा और कागजों को अमली जामा नहीं पहनाया जाएगा, तब तक ऐसी भयावह तस्वीरें जो प्रशासनिक अमले की काबिलियत और उनकी सारी नाकामी को दर्शाने वाली जो तस्वीरें होंगी वो सामने आएंगी। जो भी दावे किए गए अफसरों के द्वारा कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है, मुजफ्फरनगर, बाराबंकी, हमीरपुर जैसे हर शहर से लगभग इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। लखीमपुर जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, जिस जिले पर, वहाँ के पसगवा ब्लॉक से जो तस्वीर आई उसने शर्मसार कर दिया, उत्तर प्रदेश पुलिस को भी शर्मसार कर दिया, क्योंकि उसके सामने जो लोगों ने महिलाओं के साथ बदसलूकी की उससे उत्तर प्रदेश सरकार भी खटघरे में आ गई, बीजेपी सरकार खटघरे में आ गई। तो यानी कि कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक अमले की जो तैयारी थी वो नाकाफी थी, और हर जगह से जो चाहे सपा और भाजपा के लोगों के बीच में विवाद की बात हो, मारपीट की बात हो, या तमाम जगहों पर बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशियों के बीच में जो मारपीट की बात है, ये तमाम तस्वीरें बता रही हैं कि चुनावी रणनीति के तहत जो नेता थे उन्होंने तो अपनी रणनीति मुकम्मल की, लेकिन अफसरों ने अपनी रणनीति चाक चौबंद नहीं की और उसी का नतीजा कि उत्तर प्रदेश से हंगामे की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जरा बागपत का हाल भी राम किंकर से समझ लेते हैं, क्योंकि काफी सेंसिटिव एरिया ये भी है जहां पर आप खड़े हैं। राम किंकर, नवजोत, अभी
थोड़ी देर पहले ही इलाके के डीएम और एसपी ने अंदर जाकर मुआयना लिया है और देखा कि किस तरह से मतदान चल रहा है। तकरीबन बागपत अगर इस ब्लॉक की मैं बात करूं तो 83 वोट कुल हैं, 83 वोटों का मतदान होता है, 60 से ज्यादा मतदान इस वक्त हो चुका है और यकीनन आप देखिए कि पुलिस जो है मेन गेट पर मौजूद है और साथ ही साथ सबका जो पहचान पत्र और दूसरी चीजें देख करके ही अंदर जाने दिया जा रहा है। लेकिन खास बात यही है कि जो झड़प और जो गुत्थम गुत्था की तस्वीरें अलग अलग शहरों से दिखाई दे रही है, बागपत में भी कमोबेश ऐसी स्थिति है, लेकिन जहां पर मतदान हो रहा है मतदान स्थल के ठीक बाहर की तरफ समर्थक आपस में भिड़ते हैं, एक दूसरे से गुत्थम गुत्था होते हैं, लेकिन पुलिस की मौजूदगी को देख करके ही वह आपस में तितर बितर भी हो जाते हैं। इन सब के बीच आपको बता दें कि प्रत्याशियों की तरफ से खासकर पार्टीज की तरफ से बाउंसर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि कोई भी किसी को धमका कर अपने पक्ष में मतदान न करा सके और साथ ही साथ कोई दबाव में न ले सके। तो हमने देखा कि एक प्रत्याशी ने न केवल जितने मतदान के लोग यहां पर आए हुए थे वहां उनको न केवल लग्जरी बस से खुद लाए बल्कि साफ तौर पर बाउंसर्स भी तैनात किए गए ताकि एक एक करके वह अपने तमाम दस्तावेजों के साथ यहां मतदान स्थल पर जा सके और मतदान करके आ सके। कुछ ही वक्त है जब मतगणना शुरू होगी, उसके बाद ही ये देखा जाएगा कि आखिर जो बागपत जिला है उसकी 3 सीटों पर कमल कहां पर खेला, क्या विपक्षी पार्टियों ने कमल को पटखनी दी या फिर कमल ने ऐसा कुछ किया। चलिए वो 3 बजे के बाद की मतगणना के बाद का होगा उस पर हम आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले समर्थ मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। समर्थ कम से कम चाहे मेरे सहयोगी संतोष हो या फिर उधर से राम किंकर या फिर वो तस्वीरें जो की इस वक्त हम दिखा रहे हैं, दो चीजें सामने आ रही। पहली बात तो ये कि प्रत्याशियों की तरफ से पार्टियों की तरफ से अपनी तैयारी थी, पुलिस बल उतना तैयार नहीं था और हालात इस कदर बिगड़ गए कि हर जगह से उपद्रव हिंसा की तस्वीरें, हर जगह पुलिस लाठियां भांजती नजर आ रही है। देखिए ब्लॉक प्रमुख चुनाव में ये कहानी एकदम आम हो गई। आप अमरोहा की बात करें, हमीरपुर की बात करें, मऊ की बात करें, हर जगह लगभग आपको हिंसक झड़प देखने को मिल रही है। कल के केसेस इस तरह के थे कि यूपी पुलिस को लगभग 16 के ऊपर एफआईआर करनी पड़ गई जिसमें 1800 लोग जो है इसमें बुक हो गए और अगर आप इसमें नेम्ड की बात करेंगे लगभग 115 लोग इसमें नेम्ड थे और 25 की अरेस्टिंग भी हो चुकी है। तो सवाल ये है कि खाली एफआईआर करने से क्या बात बनेगी, क्या हिंसक झड़पें रुकेंगी? जिस तरह से लखीमपुर का केस हुआ उस तरह से यूपी की राजनीति जो स्तर है उसको गिराता है। हालांकि ये पहली दफा नहीं है जब ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में ऐसा होता है, जब भी ब्लॉक प्रमुख के चुनाव होते हैं जो रूलिंग पार्टी होती है उसका वर्चस्व रहा है, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो या बसपा की रही हो। 1993 में जब सपा और बसपा की अलायंस थी तो तारा देवी एक दलित महिला थी, उनको किडनैप कर लिया गया था, तब कांशीराम खुद उनसे मिलने गए थे। तो ऐसा नहीं है कि पहली दफा हुआ है, पर जो भी है वो गलत, हिंसक झड़प पे रुकनी चाहिए और कहीं ना कहीं ये पुलिस का फेलियर है कि आपको इंस्ट्रक्शन मिले हैं उसके बाद भी आप नहीं रोक पाए। लखीमपुर की घटना में 6 पुलिस ऑफिसर जो सस्पेंड हुए हैं इंक्लूडिंग सीओ और एसएचओ, वो खुद में एक शर्मनाक बात है कि पुलिस वाले के सामने एक महिला के साथ कैसे आरोप, वहां पर यही लग रहे थे कि पुलिस मूक दर्शक बनी रही और एक्शन नहीं लिया और इसीलिए शायद एक्शन हुआ सरकार की तरफ से बाद में, लेकिन हालात अभी के जो हैं वो यकीनन तनाव वाले। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, नजर आप बनाए रखिए।